हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम आपके सामने मल द्वार से संबंधित जितने भी रोग हैं या इससे संबंधित जितने भी लक्षण पेशेंट को होते हैं, इस तरह की जानकारी आपके सामने रेगुलर लेके आते रहते हैं। नई नई टेक्निक्स, नए नए प्रोसीजर आपको बताते रहते हैं जितना भी हमसे बन पड़ता है। फ्रेंड्स, हम वो प्रोसीजर आपको बताने की कोशिश करते हैं जो आप घर के अंदर मैन्युअली अपने आप कर सकते हो बिना किसी हिचक के, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होने वाला, और जो फ्रेंड्स हर डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करता, हर डॉक्टर आपको नहीं बताता। आज की जो फ्रेंड्स हमारी वीडियो है वो इसी तरह की एक नई टेक्निक को लेके है, जिसके द्वारा आप अपने मल द्वार की जो एनल टोन होती है, जो हमारा एनल एरिया है, जो इसकी टोन होती है, जो इसका स्पिंक्टर होता है, जो इसका छल्ला होता है मल द्वार का, कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, जब किसी पेशेंट को मल द्वार के अंदर दर्द स्टार्ट होता है, मल द्वार के अंदर जलन स्टार्ट होती है, या मल द्वार से बूंद बूंद करके खून गिरने लगता है, तो फ्रेंड्स पेशेंट मोशन करते समय डरने लगता है, उसको डर लगने लगता है, जिसकी वजह से उसका माग स्लोली स्लोली संकुचित होने लगता है। अगर हम ये देखें कि अगर ये मार्ग की सिचुएशन ये है तो स्लोली स्लोली वो श्रिंक करने लगेगा। अगर एक ट्यूब की तरह हम देखें, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अगर हम माने, तो हमारा जो रेक्टल एरिया है वो बिल्कुल ट्यूब की तरह का होता है। वो स्लोली स्लोली क्या करता है फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट का स्लोली स्लोली श्रिंक करने लगता है, मतलब छोटा होने लगेगा। तो ऐसे पेशेंट के लिए आज की जो हमारी टेक्निक है वो रामबाण होने वाली है। बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसी जानकारियाँ आपको हर तरह के डॉक्टर नहीं देते। जो इस चीज़ से स्पेशलिस्ट होते हैं वो डॉक्टर भी इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब फ्रेंड्स, ये जो टेक्निक काम करने वाली है ये ऐसे पेशेंट्स को काम करने वाली है, ऐसे पेशेंट जो कहीं भी किसी भी जगह, जिसने अपने मल द्वार से संबंधित किसी भी तरह के रोग का, वो पाइल मास हो सकता है, सेंट्रल टैग हो सकता है, स्टेंगुलेटेड पाइल मास हो सकता है, फिशुला हो सकता है, या किसी भी तरह का ऐसा रोग जिसका उसने ऑपरेशन कराया है या कोई भी छोटा प्रोसीजर कराया है, और उसके बाद ऑपरेशन के बाद या प्रोसीजर करने, जो भी प्रोसीजर छोटा मोटा कुछ भी उसने कराया है, या पेशेंट किसी तरह की मेडिसिन खा रहा है, और ऐसे पेशेंट जिनको लगातार मोशन करते समय दर्द होता है, जो पेशेंट क्रोनिक एनल फिशर के हैं, जिनको पेशेंट को फिशर बार बार बनता रहता है, या जिन पेशेंट को एक्यूट फिशर बनता है जो अचानक ही बनता है, तो ऐसे पेशेंट के मल द्वार की एनल टोन का मतलब होता है उसका संकुचित करना, रिलैक्सेशन करना बंद करना। ये जो एनल टोन होती है ये ऐसे मरीज की खराब हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को मोशन जब पेशेंट करने जाएगा तो उसको ऐसा महसूस होगा कि उसका रास्ता छोटा पड़ा हुआ है, उसका रास्ता रुका हुआ है, किसी चीज़ से बंद है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए कंप्लीट एनल स्टेनोसिस का ट्रीटमेंट तो हम नहीं बता सकते, वो केवल छारसूत्र से ही संभव है, लेकिन ऐसे पेशेंट जो अभी आंशिक रूप से मल द्वार से संकुचित मार्ग की वजह से परेशान हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए ये टेक्निक बिल्कुल रामबाण होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, आज इसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, टेक्निक बताने से पहले, जो हम आज आपको टेक्निक बताने जा रहे हैं उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि ऐसे पेशेंट जिनका मल द्वार थोड़ा संकुचित लगता है, छोटा लगता है, ऐसे पेशेंट्स अपने मल द्वार को लुब्रिकेट करने के लिए, चिकना करने के लिए ज्यात्यादि तेल का रेगुलर प्रयोग करें। ज्यात्यादि तेल फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट्स के लिए बिल्कुल रामबाण की तरह वर्क करता है। कहीं भी मल द्वार के अंदर दर्द, जलन, चुभन होगी, पेशेंट को ज्यात्यादि तेल बहुत अच्छा वर्क करेगा। अगर हमारा मल द्वार चिकना रहेगा तो पेशेंट को किसी भी तरह के मोशन पास करने में, चाहे वो हार्ड स्टूल हो, कैसा भी स्टूल हो, उसको पास करने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और ऐसे पेशेंट्स के लिए फ्रेंड्स हम बताना चाहते हैं, एक एनल डायलेटर होता है, ये आप किसी भी सर्जिकल शॉप से ले सकते हैं, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन आप एनल डायलेटर लिखोगे तो आपको तुरंत इसकी इमेजेस मिल जाएंगी और आप इसको ऑनलाइन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एनल डायलेटर का जो मेन रोल होता है
वो क्या होता है कि जो हमारी एनल टोन है, अगर बाय चांस हम ये देखें, अगर किसी पेशेंट की एनल टोन थोड़ा संकुचित है, छोटी है, तो उसको एनल डायलेटर को मेंटेन करने के लिए क्या वर्क करना पड़ता है, ये आपकी जाइलोकेन जेली है जो लोकल एनेस्थाइज करती है पेशेंट के एनल एरिया को। फ्रेंड्स, ये जो जाइलोकेन जेली है, पहले मल द्वार के अंदर इसको लगाना है, जब अच्छी तरह इसको लगा ले, फिर इसको लगाने के बाद मल द्वार के अंदर इस एनल डायलेटर के ऊपर इस जेली को फिर अच्छी तरह लगाना है। उसको लगाने के बाद बिल्कुल पेशेंट को बड़ी जेंटली इसको अंदर बाहर, बहुत जेंटली, जितना भी जेंटली हो सकता है, इंजरी ना हो, इस तरह से अंदर बाहर करना है 5 मिनट। इस वर्क, इस एक्सरसाइज को आप 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम रेगुलर करें। और फ्रेंड्स, जब तक करें, जब तक आपकी एनल टोन प्रॉपर रूप से मेंटेन नहीं होती, जब तक आपको फुल्ली सेटिस्फेक्शन के साथ रिलीफ नहीं मिलता, तब तक आप इस प्रोसीजर को बिना किसी रुकावट के और बिना हिचक के कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल भी इंजरी नहीं करता। लेकिन जेंटली करने का मतलब बहुत ज़्यादा जेंटली होता है, बहुत स्लोली 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 आपको ये वाला प्रोसीजर करना है। 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम आप इसको रेगुलर करें। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह की पेशेंट्स एनल स्टेनोसिस के या एनल स्ट्रिंक्चर के हैं, जिनको स्टार्टिंग पोजिशन है या 1 से 2 महीने ही इस तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट किए हुए हैं, या कोई पोस्ट ऑप का पेशेंट है जिसने कहीं सर्जरी कराई है और सर्जरी के बाद वो इस तरह की प्रॉब्लम से फेस करता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स बहुत हैं जो आफ्टर सर्जरी ऐसी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो में केवल ये टेक्निक के बारे में था। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे कि आपके साथ साथ किसी दूसरे का भी भला हो। क्योंकि मल द्वार से संबंधित YouTube के ऊपर भी कोई ऐसा पूरा रेगुलर जो अपना वर्क करता है एनरेक्टल के ऊपर, ऐसा कोई भी चैनल नहीं है। और फ्रेंड्स, इस चीज़ के पेशेंट बहुत हैं, पेशेंट इधर उधर बहुत परेशान रहते हैं, तो हमारी तो कोशिश यही है कि किसी भी तरह से इस तरह के मरीज जो हैं उनका भला हो सके। हम अपनी तरफ से बहुत केयर करते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे पेशेंट बिल्कुल भी परेशान ना हो। और कोई भी आपकी क्वेरी है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि हमारा शेड्यूल थोड़ा बिजी होता है, सुबह हमारे पास पेशेंट्स भी ज़्यादा होते हैं और हम कभी कभी फ़ोन कॉल्स उठा नहीं पाते, जिसकी वजह से शायद बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको बुरा लगता हो। लेकिन मैं अपना बताना चाहता हूँ कि मेरा केवल एक वर्क यूट्यूब का नहीं है, मेरा वर्क हॉस्पिटल को भी संभालने का है और मैं अपने हॉस्पिटल में वर्क भी करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को माइंड ना करें। जब भी कभी भी मेरे पास टाइम होगा, जब भी मैं फ्री हूँगा, मैं आपकी हर कॉल का जवाब दूंगा। आप मुझसे बेहिचक कभी भी बात कर सकते हैं, इसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लें कि डॉक्टर साहब को बुरा लगेगा। मेरे को कोई बुरा नहीं लगेगा, आप कभी भी मेरे से फ़ोन करें। लेकिन फ़ोन का टाइमिंग ऐसा हो फ्रेंड्स, जब अगर हमारा रेस्ट करने का टाइम है, रात में 11 बजे 12 बजे 10 बजे से पहले, कोशिश करें कि ऐसा टाइम हो जिससे कि दूसरे बंदे को बुरा ना लगे। तो फ्रेंड्स, आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।